हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। फिलहाल दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम उन भाई लोगों के बारे में जो हमको एक शुरुआत से ही सपोर्ट करते आ रहे हैं, वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, और वो भाई लोग देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, कॉमेंट करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, यूट्यूब पर तो हमको ज़्यादा सपोर्ट अभी तक मिला नहीं है। बात करेंगे हम फेसबुक पर कितने लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि दोस्तों YouTube पर भी सपोर्ट मिल रहा है लेकिन उतना नहीं मिल रहा है। हालांकि वो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं जो लोग देख रहे हैं। फिलहाल आप सभी को थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल देंगे। कल हमारा एक वीडियो गया है लगभग 80 के आसपास व्यूज। सबसे पहले बहुत ज़्यादा खुशी मिला हमको कि 80 व्यूज मेरा लास्ट पार हुआ है ब्लॉगिंग में। और दोस्तों, इनमें तो ज़्यादातर व्यूज आया नहीं है और 5 आदमी का मात्र लाइक आया और कमेंट एक का भी नहीं आया। तो हमको तो पता चला नहीं कि कौन सपोर्ट किया नहीं किया, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। फिलहाल देख सकते हैं फेसबुक का हम लगा देंगे पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जो कि विवेक भारती है एक ठो, एक शुरुआत से ही हमको सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो भाई, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमको ऐसे ही, ठीक उम्मीद है आपसे कि आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। और फिलहाल दोस्तों, आज जा रहे हैं हम घूमने के लिए, और जाएंगे आज हम घूमने के लिए इधर अपने न्यू बाइक से, जो कि है होंडा साइन का। तो चलते हैं दोस्तों। और इसमें आप सभी को एक बात बता दूं कि यहाँ पे मेरा स्टैंड तो है नहीं, और जो कि लंबा रोड है, तो आप सभी को तो देखते देखते वीडियो बोर हो जाओगे। फाइनली दोस्तों, हम हो गए हैं तैयार, और देख सकते हैं तैयार क्या होंगे, एक तो खाली शर्ट पहने हैं, टी शर्ट बदल दिए हैं, और फिलहाल दोस्तों इधर ले लिए हैं हेलमेट और चाबी, और मारते हैं अब गाड़ी स्टार्ट। इसके बाद फिर चलेंगे और जा रहे हैं हम घूमने के लिए पहाड़ तरफ। और हेलमेट ले लेना जरूरी है, कहीं ज़्यादा दूर तो जाएंगे नहीं, लेकिन हेलमेट तो चाहिए साथ में, क्योंकि देवघर में तो काफ़ी ज़्यादा नियम चेंज कर दिया है। तो फिलहाल दोस्तों, पहनते हैं हेलमेट। काफ़ी झकास लग रहा है, लेकिन हेलमेट पहन के जब वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है हमको। तो दोस्तों, आप लोग बने रहे ब्लॉग वीडियो में, फिलहाल चलते हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं इधर घूमने के लिए, जो कि देख सकते हैं इधर पीछे काफ़ी बड़ा पहाड़ है, और हमको अकेले उतना दूर जाने का हिम्मत भी नहीं है दोस्त, क्योंकि हमको सांप बिच्छू से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। और फिलहाल दोस्तों, देख सकते हैं इधर काफ़ी मस्त नज़ारा है, यहाँ का देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा गड्ढा गुड्ढी है, मस्त लगता है देखने में। और यहाँ देख सकते हैं हम एक ठो पेड़ के पास रुके हुए हैं, देखो पेड़ के पास रुक गए हैं। काफ़ी ज़्यादा आनंद मिलता है यहाँ पे आने के बाद, मज़ा आ जाता है। जब भी हम अकेले रहते हैं ना, थोड़ा कहीं घूमने बुलने का मन किया तो यहीं पे आ जाते हैं। जानते हो दोस्तों, यहाँ पे आके ना काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है, और यहाँ आने के बाद देखो अलग ही मज़ा है। यहाँ का पर्यावरण जो है काफ़ी हरा भरा है, और जब भी मन करता है घूमने बुलने का और अकेले रहते हैं तो हम यहीं पर आते हैं। और जब घमंड हो जाता है हमको, थोड़ा बहुत घमंड होने लगता है, तो चल देते हैं शमशान घाट। और दोस्तों, इस पहाड़ का नाम है दिघरिया पहाड़। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे जानते होंगे, इस रोड से क्रॉस करते हैं, और ये रोड हाईवे है, मेन रोड है, तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है। फिलहाल इस रोड से हम तो लास्ट जमुई तक गए थे, और झुमरा स्थान जानते होंगे, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पूजा पाठ होता है झुमरा स्थान में। और फिलहाल दोस्तों, हम सोच रहे हैं कि जाएँगे वहाँ पर घूमने के लिए उस पहाड़ के पास, तो फिलहाल चलते हैं अब वहाँ पर। इधर जंगल में तो दुकान वगैरह मिला नहीं, और एक तो मिला भी तो वहाँ पे कुरकुरे नहीं था, और एक तो और पर्सनल जो तो वहाँ पे नहीं मिला। तो आ गए थे यहाँ अनरी गादर के पास, और अब चल रहे जाएंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं इधर दिघरिया जाने वाले रोड में आ गए हैं, और यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी मस्त, ज़्यादा चारों तरफ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अभी थे हम उस जगह पर वहाँ पे, और यहाँ पे आ गए अभी, और फिलहाल देख सकते हैं इधर ला के रखे हैं दो को कुरकुरे, और अब खाएंगे बैठ के आराम से। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इधर घूमने आने के बाद, मज़ा आ जाता है, लेकिन चारों तरफ का नज़ारा जो है ना दोस्तों, मस्त लगता है देखने में। तो दोनों कुरकुरे खा चुके हैं दोस्तों, और लग गया काफ़ी जोर पानी प्यास। अब यहाँ पे तो पानी मिलना मुश्किल है, हालाँकि एक तो यहाँ पे नज़दीक में एक तो ढाबा है, जाके देखते हैं अगर वहाँ पानी का बोतल मिल गया। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पे है सामने रोड के, मतलब उस साइड में। तो पानी का बोतल तो मिल चुका है, और अब पानी पीते हैं। और जानते हो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और अभी रुके हैं कुछ दूसरे जगह, दूसरा लोकेशन पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है देखने में। और दोस्तों, थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया यार, अभी हम 11:00 बज के
तीन मिनट में हम एक ठो वीडियो अपलोड किए थे कल का ब्लॉगिंग, तो अभी जब खोल के देखे ना तो मात्र एक व्यूज आया है, दिमाग खराब हो गया। लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, आप लोग देखो और बताओ क्या हमारा कंटेंट में अगर कुछ कमी है, तो आप लोग जब तक बताओगे नहीं कि हम आखिर सुधार किस चीज़ का करें, तब तक तो पता चलेगा नहीं। आप लोग ज़्यादातर देखिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, और आप लोग देख के जो भी गलती हो आप लोग बताया कीजिए, हम उसको सुधार करने का कोशिश ज़रूर करेंगे। सो दोस्तों आप पीते हैं पहले पानी, तो पी लिए पानी और देख सकते हैं उधर कितना खतरनाक मौसम ख़राब किया। अब तो लग रहा है कि पानी पड़ेगा और हल्का हल्का टिपटिपाने भी लगा, तो फिलहाल अब जल्दी जल्दी भागते हैं यहाँ से। अब भागेंगे नहीं तो भींग जाएंगे फिर, और पहले से भी तबीयत ख़राब है और अब भींग जाएंगे तो फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगा, तो भागते हैं हम जल्दी जल्दी। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं घर, और जैसे ही घर आए बाइक खड़ा किए और हेलमेट रखे और तुरंत ही पानी पड़ने लगा, और अभी छत पे आके वीडियो बना रहे हैं छत आने की। और दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खराब मौसम करके रख दिया है चारों तरफ से, और कैमरा पर गिर गया एक बूंद पानी जो कि मेरा फिगर ही पूरा खराब कर दिया। खराब नहीं किया, मस्त लग रहा है देखने में। चलते हैं आप सभी को दिखाते हैं बाहर का नज़ारा, और जानते हैं दोस्तों बारिश में ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा लगता है छतरी लेके वीडियो बनाने, झूठो खड़ा हो जाते हैं पानी में, कुछ करना धरना तो है नहीं, छाता लेके घूमो। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं 2 बजे के आसपास मौसम कर दिया है एकदम मस्त फ्रेश कर दिया है दोस्तों, और लग गया है काफ़ी जोर भूख। और फिलहाल हम आए थे इधर गाय बैल को देखने के लिए जो कि बगीचा में खूंटा हुआ है उधर खेत तरफ, और जाएंगे घर और खाना खाएंगे और जाएंगे फिर जसीडी बाज़ार दुकान का सामान लाने के लिए। और दोस्तों आज का ब्लॉगिंग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, और आप लोग तो सपोर्ट करते नहीं हो, वीडियो देखते नहीं हो, तो बनाने में ब्लॉगिंग करने में मज़ा नहीं आता है, तो आप लोग ज़्यादातर सपोर्ट करने का कोशिश करें दोस्तों। और आज का ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा दोस्तों। सो बाय, जय हिंद जय भारत।